तो गाइस क्या हुआ कि कुछ टूरिस्ट आए थे घूमने, पता नहीं कहाँ से आए थे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे यार सभी लोग, आई होप सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। मैं अभी यहाँ पर एकदम मजे में, बाकी मैं अभी भाग भाग कर रहा हूँ, थोड़ी सी सांस फूल गई है। रोड तो उसी रोड से है जो बेघार वाला रोड है, और आप लोग मेरे पीछे जो है बर्फ़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है। मैं आपको बता दूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ, यहाँ भी हल्की हल्की सी बर्फ़ हो गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो खेत वगैरह में पूरी जो है बर्फ़ बर्फ़ हो गई है। इधर देखो पार छत पर, अगर आपको दिख रही होगी तो उधर भी बर्फ़ है और आगे भी बर्फ़ है। इस साइड को धूप है तो ठीक से नहीं दिख रही है। मैं आपको एक बार इस वाली तरफ में दिखाता हूँ, तो ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है। और एक चीज़, मैं कल गया था ऊपर घर को अपने, वहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया लोहड़ी मनाते हैं, मतलब बकरे वगैरह काटते हैं, तो उधर ही मैं गया था, तो उधर बर्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है और ठंड तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको। अंदर में रजाई के नीचे बैठा था, वो भी मतलब चूल्हा भी जला था और साथ में कंबल भी था, फिर भी ठंड लग रही थी। अभी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओ कितनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। वो तो मतलब मैं जब वहाँ पर रहता था, मैं आपको बता दूँ कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे ठंड लगती है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो मुझे ठंड लगती है, क्योंकि आदत नहीं रह गई अभी ठंड की। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जब मैं ऊपर रहा करता था, मतलब घर में जो मेरा असली घर है वहाँ पर जब मैं रहा करता था, तो वहाँ पर जो बर्फ़ है, जब बर्फ़ गिरती थी तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे छोटे छोटे जितने भी हम थे वहाँ पर, अभी तो बड़े हो गए सभी, तो जितने भी बच्चे थे तो वहाँ पर जाते थे, जो बर्फ़ है अच्छे अच्छे जगह से बर्फ़ उठा कर लाते थे, और नमक मिर्च वगैरह सारे जितने भी मसाले होते डाल कर फिर खाते थे। जो मज़ा आता था ना उस टाइम पर, वाह वाह। और उसका जो मतलब जब पानी बर्फ़ से निकलता है पिघलकर, उसे जब मतलब उसे पीने का जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। मैंने अभी थोड़ी सी बर्फ़ खाई तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगी कि मतलब चबाई भी नहीं जा रही थी मेरे से, क्योंकि आदत नहीं रही है वो वाली आदत जो पहले होती थी जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने, अब याद आता है, उस टाइम पर कोई पता नहीं चलता था। तो अभी मैं वही चीज़ फिर से करने वाला हूँ, मतलब बर्फ़ मैं यहाँ आगे से ले जाने वाला हूँ साफ जगह से, और नमक मिर्च डालकर उसे खाऊंगा, क्योंकि पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएगी थोड़ी सी। मैंने मतलब सुबह तो ये बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा थी, ये जो मेरे आप लोग पीछे देख सकते हो अभी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रह गई, लेकिन सुबह पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, लेकिन ठंड भी उस हिसाब से थी, इसीलिए मैं सुबह वीडियो बनाने नहीं आया। बाकी आज जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब पूरा धूप निकला है बढ़िया वाला, और बादल भी नहीं है, सारा मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो अभी मैं भी जाता हूँ और कुछ लाता हूँ बर्तन, फिर बर्फ़ ले जाऊँगा यहाँ से और खाऊँगा नमक मिर्च के साथ, जैसे कि कोई भी नहीं खाता, मैं ही खाता हूँ, तो खाता हूँ मैं भी, जाता हूँ मैं भी। तो हेलो गाइस, बर्फ़ खा लो, मैं अभी नमक मिर्च लगाकर पूरा ला चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग, और इस टाइप से खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरा हाथ अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मैं इसको मतलब जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। वहाँ देखो गाइस नेवला जा रहा है बर्फ़ खाते खाते, वो आप लोग अगर देख पा रहे हो कि वहाँ पर, तो ये देखो किस तरह से पेड़ में जा रहा है। अभी ये तीन थे, पता नहीं कहाँ गए बाकी के दो, पर अभी फ़िलहाल ये एक ही है, और ये भी जा चुका है वहाँ पर कहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो अभी मैंने बर्फ़ तो खा ली, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि पूरा दिमाग तक हो गया उसका असर ऊपर। पर अभी एक सैड न्यूज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगा मुझे। वो न्यूज़ क्या है कि मुझसे अभी बात की नहीं जा रही है, मेरी जीप, अबे साले जीप पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है, तो थोड़ा सा मैं पहले गर्म हो जाता, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। तो गाइस क्या हुआ कि कुछ टूरिस्ट आए थे घूमने, पता नहीं कहाँ से आए थे, हिमाचल प्रदेश, गाड़ी में अपनी, तो उनकी गाड़ी फंस गई कहीं पर बर्फ़ में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बर्फ़ में जब गाड़ी फंस जाती है एक बार तो निकालना मतलब इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है गाड़ी को निकालना। तो क्या हुआ कि वो गाड़ी वहीं पर फंस गई, और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम था, तो वो लोग खिड़की भी नहीं खोल पाए, दरवाजे वगैरह कुछ नहीं खोल पाए, और खाने पीने का भी उनके पास कुछ भी नहीं था, जिस करके वो बेचारे उसी के अंदर जो है मर गए। तो अगर कोई मेरा व्यूअर बाहर कहीं से है तो मैं उससे विनती करूंगा कि भाई इस वाले मौसम में बिल्कुल भी नहीं आया, अगर आना ही है और आपको लगता है कि मौसम ख़राब है तो वहीं पर ठहर जाए कहीं होटल वगैरह लेकर, क्योंकि ऐसे मौसम में घूमना तो वैसे तो ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते, लेकिन ऐसी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती है ना। देखो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना ये, आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था। देखो खुद सोचो यार, कैसे किस तरह से मरे होगे और घुट घुट कर, ऑक्सीजन भी वहाँ पर नहीं थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब आपको मैं यही नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी, वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी फंस सकती है वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड हुई होगी, खुद आप लोग सोचो एक बार।
तो इसलिए यार ऐसे मौसम में घूमना फिरना कर दो बंद। अगर घूमना है तो गर्मियों में आओ यार, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू होता है चारों तरफ में। इतना है कि अगर सर्दियों में आना ही है तो तब आओ जब मौसम ठीक हो जाए। बर्फ़ बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लेट तक रहती है और कहीं पर जल्दी भी चली जाती है, कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको बर्फ़ का इन्जॉय लेना ही है तो आप ले सकते हो कहीं, मतलब कहीं कहीं जगह पर। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हर जगह पर बर्फ़ सूख गई है, लेकिन वहाँ पीछे अगर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर अभी भी बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा है, अभी तक धूप नहीं लगी है। तो ऐसी ऐसी जगह मिल जाती है, बहुत मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ एक जगह यहाँ पर भी है, हरिपुरधार भंगाणी मंदिर से थोड़ा सा पार को एक हेलीपैड है वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा लेट तक रहती है, बहुत ही लेट तक, सबसे ज़्यादा लेट तक आप लोग मान सकते हो कि सबसे ज़्यादा लेट तक वहाँ पर बर्फ़ रहती है। तो इसलिए यार इस मौसम में तो मेरे को तो मतलब नहीं लगता सही घूमना इस वाले मौसम में। अभी खुद ही आप लोग देखो, बस भी मैं बता दूँ सुबह से लेकर अभी तक एक भी बस नहीं आई है, क्योंकि कैसे आएगी यार, रोड पूरे कहीं कहीं पर ब्लॉक हो चुकी है और कहीं कहीं पर बर्फ़ में बसें वगैरह फंस गई है, तो उस करके भी बसें नहीं आ रही है। तो इसीलिए यार ऐसा ये जो मौसम है घूमने के लिए नहीं होता। ये मौसम जब थोड़ा ठीक हो जाएगा जनवरी में, मतलब मुझे नहीं लगता कि जनवरी में घूमना चाहिए, अगर घूमना है तो फरवरी या मार्च में आओ, क्योंकि इस टाइम पर बर्फ़ गिरती नहीं है लेकिन बर्फ़ होती है। उस टाइम पर भी बर्फ़ होती है, जो बच्ची कुची बर्फ़ होती है उस टाइम पर भी होती है। और मुझे एक चिड़िया दिखी है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चिड़िया है, अभी मैं इसके पास जाऊँगा तो वैसे भी उड़ जानी है, इसलिए एक ध्यान हटा देता हूँ इस पर से। और मैं आपको बता दूँ कि फोन में पूरा नमक मिर्च लग चुका है, अभी इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बर्फ़ खा रहा था उसमें मैंने नमक मिर्च लगाई थी तो पूरा फोन में लग गया, क्योंकि इसी हाथ से मैं फ़ोन पकड़ रहा हूँ। और मेरे हाथ आप लोग देख पा रहे होगे तो पूरे लाल लाल हो गए हैं मिर्च से। कोई बात नहीं, इसको तो मैं घर जाकर धो लूँगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मैं बता दूँ 2 साल के बाद मैंने बर्फ़ खाई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही, मैं नहीं बता सकता हूँ कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बर्फ़ खा के। तो अभी मैं और खाऊँगा, अभी तो नहीं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मैं बीमार था, अभी ठीक हुआ हूँ तो अभी मैं फिर से बीमार हो जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा फिर बर्फ़। लेकिन मुझे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बर्फ़ से मैं आज तक बीमार, मतलब बर्फ़ खा के कभी भी मैं आज तक बीमार नहीं हुआ हूँ, पर कोई पता नहीं चलता, क्योंकि अभी मैं जस्ट ठीक हुआ हूँ, बीमार होकर ठीक हुआ हूँ और फिर से मैं बीमार हो जाऊँगा क्योंकि बर्फ़ का ही ठंडी ठंडी। तो अभी मैं जाता हूँ जल्दी से और कंबल के नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं है, हीटर वगैरह तो वैसे भी नहीं चलने हैं, तो जाता हूँ कंबल ही एकमात्र सहारा है। तो चलता हूँ और गेम वगैरह खेलता हूँ, बाकी करना ही क्या है दिन भर। तो गाइस अभी हो रही है शाम और मैंने आपको जैसा कि बताया उस टाइम पर मैं गया था रूम और कुछ टाइम में वहाँ पर सोया, उसके बाद मैं फिर से आ गया था घूमने यहीं बाज़ार अपने, और बाज़ार में मैं घूमा कुछ टाइम, धूप सेका, अभी धूप जो है मतलब धूप के साथ साथ हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी, जैसा कि मैंने आपको बताया चलती रहती है। बाकी मैंने सुबह आपको दिखा था, अभी आप लोग देखो पूरा जो क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया, जो बर्फ़ थी वो पिघल गई है, मतलब कहीं कहीं पर रही है थोड़ी थोड़ी सी जगह पर। तो देखो और एक चीज़ और है, ये देखो गए सुबह इस जगह पर पूरा बर्फ़ था, इन खेतों में भी पूरा बर्फ़ था और उधर नीचे भी बर्फ़ था। मैं थोड़ा सा आग जाकर आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं लगती है, वहाँ पर अभी भी बर्फ़ है। नीचे कुछ बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो क्रिकेट का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ और ना ही खेलता हूँ। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि लोहड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पर कैसे मनाते हैं, कि पिछले कल मेरा जहाँ पर घर है मैं है वो कल काट दिए थे, बकरे वगैरह काट दिए थे कल, और आज काट रहे हैं। मेरा जो घर है, मतलब हमारे दो घर होते तो दूसरे घर को दोची बोलते, बाकी यार रोड की हालत आप लोग देखो तो पूरा एकदम से बुरे हाल हो गए हैं। मैं बताना नहीं चाहता कुछ भी शब्द नहीं है इस रोड के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है तो इससे ज़्यादा। और बाकी मैं बता रहा था, तो आज मनाई वो जो लोहड़ी है आज मनाई घर में, जो मेरे ताऊ जी का घर है वहाँ पर, तो इस टाइप से मनाते हैं, मतलब पता नहीं क्या सीन होता है इसका, पता ऐसे ही मनाते हैं, आज वहाँ आज यहाँ पर मनाइए कल कहीं और मनाएंगे, ऐसे करके ही मनाते रहते हैं इस चीज़ को। पर मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पर पार जहाँ पर वो सब कुछ काट वगैरह रहे थे, क्योंकि क्या ही करना था मैंने, ना तो मैं मीट वगैरह खाता हूँ और ना ही ये चीज़ में देखने में इंटरेस्ट रखता हूँ। कहीं होते हैं कि मतलब खाते तो नहीं है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जब बकरों वगैरह को काटते हैं पूरा, तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदा सा वो सीन लगता है, मैंने देखा है एक बार एक दो बार वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा सा मुझे लगा। तो ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर होता है। आई होप आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दिए, और जिस जिससे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से फॉलो करो। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।